श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या में उनका प्रवेश होता है और घर घर में दीप मालाएं करके उनके स्वागत में लोग जो हैं खड़े रहते हैं, तो उसी पर्व को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार। सबसे पहले पुकार न्यूज के सभी दर्शकों को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मीनू शर्मा और आज हम आपको हमारे अपने डोडा वासियों की दिवाली दिखाने जा रहे हैं। इस चीज से सभी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के पूर्ण होने के पश्चात ये त्योहार मनाया जाता है। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तब से हर वर्ष ये त्योहार दीपकों के साथ मनाया जाता है। इस दिन बाजारों में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आइए पुकार न्यूज के सभी दर्शकों को आज डोडा की दिवाली से रूबरू करवाने के लिए देखते हैं पुकार न्यूज के। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रभु जी के चरणों में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में निवेदन है कि हम सब का ड्रीम, जो भी संकल्प हमने लिया हुआ है, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें अपना आशीर्वाद दें। और एक निवेदन करना चाहूँगा पूरी जनता से कि हम लोग पटाखों का और हर एक ऐसे स्रोत का, जैसे बिजली की बात करें, उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों को बनने में और पाने बनने में सदियां लग जाती हैं। और ख़ास करके हमें उन चीज़ों को बचाना है, जैसे खास करके आपने देखा विंटर का आगमन हो चुका है और हमें बिजली का उतना इतना इस्तेमाल करना है कि जितना हमें एक कमरे में बैठे हैं तो एक कमरे से ही इस्तेमाल करना है। तो आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हम लोग समाज के अंदर एक छवि छोड़ पाए। खास करके डोडा ज़िला के अंदर पिछले दिनों डीसी साहब ने सपोर्ट्स का आगमन किया, ऐसे जो खेल आयोजन जिनका किया जिसमें संतोलिया लंगड़ी टांग हो गया। एक बारी फिर से मैं अपनी ओर से भी डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे खेल जो हम भूल चुके थे, जिसमें हमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं रहती है, उनका आगमन किया। एक बार डीसी साहब का, विशेष पाल जी का मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है। और साथ साथ में जैसे हमने कल कुछ ट्रॉफीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं जितने भी उनके कोचेस थे, खास करके प्रमोद सर, विजय सर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट काउंसिल डोडा की जानिब से, जिन्होंने बच्चों को एक ऐसी राह पर आगमन करवाया है जो हमें गौरवान्वित करती है, एक बार फिर से पूरे डोडा वासियों को और पूरे देशवासियों को डोडा काउंसलर होने के नाते दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे बड़ा त्यौहार मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या में उनका प्रवेश होता है और घर घर में दीप मालाएं करके उनके स्वागत में लोग जो हैं खड़े रहते हैं, तो उसी पर्व को आगे बढ़ाते हुए ये त्यौहार हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी इसको लोग बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं। क्या कहेंगे डोडा के लोगों को? देखिए, डोडा में ये त्यौहार, मेरी भी 55-56 साल उम्र है, इस त्यौहार को मिलजुल के यहाँ मिलाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिल के इसमें इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। और ये एक परंपरा रही हमारे डोडा की कि यहाँ जब भी कोई त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई गुरु नानक जी का कोई त्यौहार हो, तो उसको मिलजुल के मनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। आप देखिए आज भी मार्केट्स में बड़ी चहल पहल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, मोबाइल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। आखिर में क्या कहेंगे कि मैं यही पटाखे वगैरह जो, देखिए पटाखे भी अब ये आप छोटे जनरेशन को नहीं रोक सकते हैं, ये भी एक शौकिया लोग आतिशबाजी करते हैं तो करें, लेकिन इसका एक बड़ा खास ध्यान रखें कि इस आतिशबाजी से कहीं किसी का नुकसान ना हो, नुकसान को बचते हुए अपने आप को बचाते हुए, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करें हमारे डीसी सर विशेष पाल महाजन सर, उन्होंने खास तरह के इनको जो परमिशन दी हुई है वो बड़े प्रॉपर वे से दी हुई है कि क्रैकर्स का भी इस्तेमाल करें, आप आतिशबाजी भी करें, लेकिन बड़े डिसिप्लिन में करें ताकि कहीं त्यौहार जो है किसी और रंगत को इख्तियार ना करें।